यारे दोस्तों नमस्कार। सुर संध्या शुभ संध्या में आप सभी को बहुत बहुत दिल से बधाई। और फिर से हम मिलने जा रहे हैं एक नए कलाकार के साथ मुलाकात। प्यारे दोस्तों मैं बता दूं, जीवन में चार सूत्र की बहुत आवश्यकता है। जैसे चार दिशाएं हैं, चार कोना है, इसी प्रकार से जीवन में चार सूत्र बहुत जरूरी है। जब हम मेहनत करते हैं तो हमें धन मिलता है, और जब हम सब्र करते हैं तो हमारा हर काम सफलतापूर्वक हो जाता है, और जब हम इज्जत करते हैं तो हमारा शान बढ़ती है संसार में, और जब हम मीठा बोलते हैं तो हमारी पहचान बनती है। इन्हीं चार सूत्र को लेके आज हमारे सामने आए हैं ब्रह्मा कुमार सुधीर पाल ओडिशा से। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। सुधीर भाई नमस्कार, नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं आप? बढ़िया। सुर संध्या प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों मैं बता दूं, हमारे सुधीर पाल जी जो बहुत ही मशहूर है, इन्होंने हजारों गानों की धुन बनाए हैं और खुद गाए भी हैं, भक्ति संध्या भी की है, और उसके साथ साथ आध्यात्मिक गीतों की धुन जो इन्होंने बनाए हैं सारे संसार में जन जन सुन के परमात्मा की तक अपने मन बुद्धि को ले जाते हैं। तो हमारे दर्शकों बताना चाहेंगे आज कौन सा गाना गाएंगे आप? शिव बाबा का प्यारा झंडा, जिसको आप रमेश भाई ने रचना की है और मैंने खुद भी इसको गाया हूँ। अभी चलते हैं, ये गीत सुनते हैं। प्यारे दोस्तों मैं बता दूँ, ये जो शिव बाबा का झंडा इन्होंने कहा, जो शिवरात्रि हम मनाते हैं, इस धरा पर संगम युग में स्वयं परम पिता परमात्मा का अवतरण हो चुका है, इसलिए जब वो आते हैं उनकी पहचान है, जो ज्योति बिंदु है वो इस झंडा का प्रतीक है, क्योंकि ये संसार में जब लहराएगा तो धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं बहुत ही मीठी आवाज से, सुधीर भाई के मीठे बोल से इस गाने को। ट्रैक प्लीज। का प्यारा झंडा शिव बाबा का प्यारा झंडा, लहर 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 हाँ लहर लहर लहराए, धरती पर आए शुभ भोले भगवान, धरती पर आए शुभ भोले भगवान, पैगाम ये सुनाए। शिव बाबा का प्यारा झंडा, लहर 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 हाँ लहर लहर शरण में जो आए वो मुक्ति दाता बन जाए, सब पे प्यार लुटाए झंडा, ओ हो हो सब पे प्यार लुटाए झंडा, राग द्वेष ये मिटाए, सबसे अनोखा है सबसे अनुपम है सबसे सुंदर है सबसे मनोहर है, अब नवयुग का हो रहा उदय, ये बात याद दिलाए शिव बाबा का प्यारा झंडा, लहर 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 हाँ लहर लहर लहरा।
स्वयं झंडा फहराते सुखमय संसार बनाने। संसार बनाने वो सुख के सागर आते, ये शक्तियों से भरपूर फैला रहा है नूर, दुख तम को करता दूर, ये सबको बनाता हूँ आनंद से भरा भरा झंडा। प्यार ये बरसाए प्यारा झंडा, लहर 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 हाँ लहर लहर लहराए बाबा का प्यारा झंडा। धरती पर आए शुभ भोले भगवान, पैगाम ये सुनाए शिव बाबा का प्यारा झंडा, शिव बाबा का प्यारा झंडा, शिव बाबा का प्यारा झंडा, प्यारा झंडा। शिव बाबा का प्यारा झंडा। ज्ञान वो प्रकाश है जो बदलता धरती और आकाश है। प्यारे दोस्तों, हमारी अगर आश पूरी करनी है तो ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान देता है सम्मान और धनवान बनाता है। प्यारे दोस्तों, आपने सुना ये गाना कि शिव बाबा का प्यारा झंडा, वो शिव बाबा जो सबका पिता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सभी भाई भाई एक पिता के हम संतान हैं। वो पिता परमपिता परमात्मा इस धरती पर आए हैं। सुधीर भाई, आप संगीत में कैसे आए, बचपन से या आपने खास इसका प्रशिक्षण ली या क्या? हाँ, प्रशिक्षण तो लिया हूँ, लेकिन ऐसे बचपन से मेरे दिमाग में चली थी कि मैं एक संगीतकार बनूँ। पहले स्कूल में बैठते समय मैं पीछे टेबल में ऐसे हाथ फिरा के फिर गीत सुनाता था दोस्तों को सुनाता था। ये धीरे धीरे बात टीचर के पास भी चली गई। इंडिपेंडेंस डे में मुझे बुलाया गया स्टेज पे गाने के लिए। मैं तो स्टेज पे चला गया और माइक के सामने खड़ा हो गया। इसके बाद मेरे पाँव से चोटी तक कांपने लगा। वहीं से मैं एकदम भागने लगा, एकदम पीछे की तरफ बिल्कुल मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि कहीं मुझे पकड़ के फिर नहीं ले जाएंगे। लेना जाए। आप पहली बार माइक के सामने गए थे जी, इतना डर लगा था जी। फिर जब बाद में स्कूल में आया तो मेरे दोस्तों ने मुझ पर फिर हंसने लगे। तो उस समय मेरे संकल्प में आया, बुद्धि में आया कि नहीं, मुझे इस संगीत में कुछ करना है। तब मैट्रिक का पढ़ाई ख़त्म हो गया, कॉलेज में दाखिल हुआ, साइंस भी पढ़ रहा था उसी समय, और पढ़ने में मेरे दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल दिलचस्पी संगीत की ओर मन लग गया था। संगीत की ओर मन लग गया और मैंने संगीत विधिवत सीखने लगा, लेकिन घर में किसी को पता नहीं था कि मैं संगीत सीख रहा हूँ। अच्छा, गुप्त रीति से? गुप्त रीति से, क्योंकि घर में कोई पसंद नहीं करते थे कि जाके संगीत सीखें। हाँ, यूं ही तो सब हमारे गीत गाते हैं घर में, लेकिन पढ़ाई छोड़ के जाके संगीत सीखना ये किसी को पसंद नहीं था। जब नेशनल रेडियो में मेरा गीत आया तब भाई ने, मेरे बड़े भाई ने फिर बोले नहीं इसको सिखाना चाहिए। मैंने बोला, तब मैंने पोल खोल दिया कि नहीं मैं गीत सीख रहा हूँ। ऐसे धीरे धीरे चलता गया और आज तक आप देख रहे हैं। कदम पर कदम रखते गए और मंजिल की ओर पहुँच चले हैं। प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं, जब हमारे मन के इरादे बहुत मजबूत होते हैं ना, वो विशाल वृक्ष की तरह बन जाता है, कोई उखाड़ नहीं सकता उसको। तो ऐसे ही बचपन से इनकी मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और वो जो मन में इरादा, जो इच्छाएं, शुद्ध इच्छाएं, इन्होंने ऐसा मजबूत बना के रखा। तो आज आपके सामने और सारे विश्व में, सारी सृष्टि में
इनके गीतों की धुन की तरंग चारों तरफ फैल रहा है। प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं, बहुत सुंदर सुंदर गाने इनके इनसे हम सुनने वाले हैं। सुधीर भाई, हमारे दर्शकों को दूसरा गाना कौन सा सुनाएंगे आज? और एक बहुत सुंदर सी गाना है जिसको आपने ही रचना किया है, शब्दों से सजे हैं ना आप, ये जमी आसमा। अभी जो सुनाने जा रहे हैं प्यारे दर्शकों, वो है ये जमी आसमा होंगे पर हम नहीं होंगे, लेकिन होंगे तो क्या होंगे, हमारा कर्म होगा। तो कर्म ऐसा करें कुंदन जैसा, चंदन जैसा बन जाए हमारा मन। तो चलिए इन शब्द इन भावों के साथ इस गीत को हम सुनते हैं सुधीर भाई जी से। ट्रैक प्लीज। जमी आसमां होंगे प्यारे, सूरज चांद ये सितारे, रहेंगे ये सारे नजारे, पर हम ना होंगे इस जग में, होगा हमारा कर्म। तो करते चले श्रेष्ठ कर्म, करते चले श्रेष्ठ कर्म। जमी आसमां होंगे प्यारे, सूरज चांद ये सितारे, सृष्टि रंगमंच है, हर एक अभिनय करता, हर एक महान कलाकार अपना अभिनय दिखाता। बड़ी दूर से आई है आत्मा, परम धाम है घर, अपना अभिनय दिखा कर लौट जाना उधर। ये युगों युगों की है कहानी, कल्प का है मरूं, रहेंगे ये सारे नजारे, पर हम ना होंगे इस जग में, होगा हमारा कर्म। तो करते चले श्रेष्ठ कर्म, करते चले श्रेष्ठ कर्म। जमी आसमां होंगे प्यारे, सूरज चांद ये सितारे। या क्या पाया जरा झांके अपने अंदर, क्या लाए क्या ले जाना सोचे यही निरंतर। करे परम पिता को याद, होगा जीवन पूरा सफल। ये देह तो मात्र वस्त्र है, इसमें ना हो हलचल। अजर अमर आत्मा विनाशी, शांति है स्वधर्म, रहेंगे ये सारे नजारे, पर हम ना होंगे इस जग में, होगा हमारा कर्म। तो करते चले श्रेष्ठ कर्म,
करते चले श्रेष्ठ कर्म। जमी आसमां होंगे प्यारे, सूरज चांद ये सितारे, जमी आसमां होंगे प्यारे, सूरज चांद ये सितारे। जमी आसमां होंगे प्यारे, सूरज चांद ये सितारे, सचमुच ये तो रहेंगे। ये जो हम देख रहे हैं कुदरत की करिश्मा, ये हमारे सामने भले हम नहीं हो लेकिन ये नज़ारे सदा रहेंगे, लेकिन हमारे कर्म की इतिहास गुणगान करेगा। जब हम कर्म अच्छा करते हैं तो समझ लो धर्म अच्छा करते हैं, और कर्म श्रेष्ठ वही है जो सबको सुख देता है। किसी की बददुआएं ना कमाए, सदा दुआएं कमाते चले, और उसके लिए इन भावों को आप ले लें कि कर्म श्रेष्ठ सदा करें। जब हमारे मन के विचार शुद्ध होंगे और सचमुच हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होने लगेंगे। इसलिए अच्छा सोचने के लिए परमात्मा की मीठी महावाक्य जो है, अगर हम रोज सुनते हैं सचमुच हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सुधीर भाई जी आज मुरली भी सुनते हैं, बाबा के बच्चे भी हैं, 30 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। मैंने सुना है प्यारे दर्शकों, सुधीर भाई से हम पूछना चाहेंगे कि आपने 2018 में बहुत अच्छा एक अवार्ड पाया है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। प्यारे दर्शकों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईस्टर्न में पूरी है जगन्नाथ मंदिर, सब जानते ही होंगे क्योंकि वो चारों धाम में एक धाम है जी, और ये तो वर्ल्ड फेमस है। उसी जगन्नाथ के ऊपर, जैसे कि हम तो बोलते हैं जगन्नाथ, शिव बाबा को ही जगन्नाथ बोलते हैं, जगन्नाथ के ऊपर एक अच्छी फिल्म बनी थी 2018 में, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उसमें मेरा म्यूजिक था। उसको 2018 में दो नेशनल अवार्ड मिला है। बहुत अच्छा, बधाई हो दोस्तों, दो अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड, बहुत अच्छा। इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। आपने संगीत दिया है, और भी कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? इस अवार्ड मिलने के बाद आपको क्या अनुभूति हुई? जो इन्होंने कहा ना दर्शकों कि भाई जगन्नाथ, जगत का नाथ, हम परमपिता को मानते हैं, तो उन्हीं के साकार रूप में जो हम भक्ति करते आए हैं वो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, और उनके लिए इन्होंने बहुत सारे भक्ति गीत भी बनाए हैं। हाँ, लगभग 200 से 300 भक्ति संगीत बनाए हैं जगन्नाथ के ऊपर हमने। और बाबा के कितने गाने बनाए? बाबा के लगभग 600 से 800 तक होगा। बहुत अच्छा, बधाई हो। जैसे मैं बता दूं, हमारी ब्रह्मा कुमारी से बहुत अच्छा एक फिल्म बना हुआ है, 13th Day, तो वो 13th Day में इन्होंने म्यूजिक संगीत पूरा दिया है, तो उसमें क्या अनुभव रहा आपका? उसमें तो बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे कि हम बनाते बनाते बना दिए, जैसे कि हमारा दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा था, वो भाई जी ने गए और बोले कि इस फिल्म के लिए हमें गीत बनाना है, लेकिन अभी फिलहाल बनाएंगे नहीं बनाएंगे ऐसे सोच में थे, लेकिन फिर बनाते बनाते हमको मिल गया कि नहीं, ये फिल्म बनेगा, ऐसे आप सोच के इसको बनाओ। दोस्तों मैं बता दूं, 13वां दिन का जो मूवी बनी हुई है, तो उसमें आप देख सकते हैं इनका संगीत, और बहुत अच्छा पिक्चर बना हुआ है वो। एक आध्यात्मिक प्रेरणा, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसके बाद जो सूक्ष्म शरीर में वो सफ़र करता है, तो उसका अनुभव क्या है, लेकिन इस अनुभव को उन्होंने गीतों के माध्यम से जो पिरोया है, मैं पूछना चाहूँगा सुधीर भाई, आपने कुछ लाइन दो लाइन हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? आत्मा शरीर को छोड़ के जा रहा है, उसी समय वो जो हीरो है ना, हीरो फिर खुद गा रहा है, सब देख रहा है कि अपने रिश्तेदार सब जम खड़े हुए हैं, मर चुका है, मरने के बाद वो खुद मर चुका है, वो खुद अनुभव कर रहा है। उसी पर एक बहुत अच्छी सुंदर सी गीत भी बनी है। एक ऐसा पल है, एक ऐसा पल है, जिसने किया मुझको अपनों से जुदा, अपनों से जुदा, ऐसे एक बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये सिचुएशन को इतना भी बनाता है, क्रिएट करता है, सिचुएशन क्रिएट करता है, रोमांच खड़ा हो जाता है उस समय। प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं, इस गाने को विशाल कोठारी जी ने, जो इंडियन आइडल का पहला सिंगर था, उसमें टॉप 10 थे, उसमें विशाल कोठारी जी ने इस गाने को गाया है बहुत सुंदर तरीके से। हमारे ब्रह्मा कुमारीज में एक गीत है, आए तेरे करीब हम
ऐसे धीरे धीरे साधना सरगम ने गाई हैं। और एक गीत है, फरिश्ते हैं हम बहुत दूर अपना घर, वो सभी का धुन आपने ही बनाया, बहुत अच्छी बात है। अभी हमारे दर्शकों को कौन सा गाना सुनाएंगे? ये धरती छोड़ चले। संसार में जो भी आत्मा इस धरती पर आती है और पाठ बजाती है, शरीर रूपी वस्त्र पहनकर कुछ समय और फिर चली जाती है आत्मा अपने घर, तो इन्हीं भाव को लेते हुए इस गाने को हम सुनते हैं, अब ये धरती छोड़ चले। ट्रैक प्लीज। उस पार अपने बाबा के पास, ए धरती छोड़ चले अंबर के उस पार। वतन का मीठा अनुभव दिल को ऐसा लुभाए, प्यारा नजारा वो स्नेह मिलन मन आनंद से भर जाए, दिल में खुशियों के दीप जले एहसास अपने बाबा के पास, ए धरती छोड़ चले अंबर के उस पार। तारा बाबा हमारा प्राणों से भी है प्यारा, स्नेह के सरगम गाए हरदम बाबा मिलन में तुम्हारा, हम रहे स्नेह के पलकों तले अंतर में अमृत घुले अपने बाबा के पास, ए धरती छोड़ चले अंबर के उस पार अपने बाबा के पास। पंखों में अगर जान है तो आशियां दूर नहीं है,
और मन में सद्विचार जीवन में अगर दिव्य गुण है तो स्वर्ग की दुनिया दूर नहीं है। प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं, सचमुच संसार की हर एक आत्मा यही चाहती है कि मुझे मुक्ति मिल जाए, लेकिन परमात्मा इस धरा पर आए हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए, जो नई दुनिया की ओर। और हमारे सुधीर भाई जी ने जो अभी गाना गाया, ये धरती छोड़ चले मुक्ति की ओर और जीवन मुक्ति की ओर, आत्मा निर्मल पंख से उड़ता चला जाए पावन बनकर। सुधीर भाई, मैं सच में बताऊं, आपने बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए हैं और ये मेरी दिल की सद्भावना, और हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि अभी तो आपको नेशनल अवार्ड मिला है, लेकिन आगे चल के आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिले तो इस तरीके से हम आपको बधाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दर्शकों, आपने सुना ब्रह्मा कुमार सुधीर भाई से, जो नित्य प्रतिदिन आध्यात्मिक साथ जुड़े हुए हैं और नए नए गाने की रचना ही करते रहते हैं। चलिए, यूं ही बने रहिएगा, फिर से हम मिलेंगे सुर संध्या में। आप सभी को अलविदा, नमस्कार, जय हिंद।